नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। आज लगभग एक साल हमारा चैनल हो चुका है और आप सभी का प्यार, आप सभी का सहयोग से हम लोग अभी लगभग 60,000 लगभग सब्सक्राइब चला गया है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम आ रहा। और हम जिस तरह पहले बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो डाल रहे थे सांपों के बारे में जानकारी, और हर जानकारी आप तक को मिलेगा दोस्तों, लेकिन आप सभी को अनुरोध है जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो सांपों पर नॉलेजेबल वीडियो है और हम सांपों के ऊपर में गंभीर से गंभीर जानकारी आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तभी तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी बने रहिएगा हमारे चैनल में, और हम अभी ऐसा ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं जो अभी तक आप लोग यूट्यूब में नहीं देखते। तो आप सभी को अनुरोध है सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल को आगे बढ़ाएं। आज हम एक रेस्क्यू किए हुए करने जा रहे हैं एक कोबरा, और उस कोबरा को हम लोग बारे में आपको बताएंगे दोस्तों, और बहुत सारा सांप के बारे में आपको बाइट के बारे में भी बताएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो में दोस्तों। अभी हम लोग जिस गांव में सांप रेस्क्यू करने जा रहे थे यहाँ पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर गांव में अभी भी थोड़ा सा बहुत सारे आदमी अंधविश्वास है और सांप को देखते ही मार देते हैं। इस सांप को ये लोग मिट्टी का तेल डाल दिए थे और उससे सांप को क्षति हुआ है। सांप बहुत सुस्त हो चुका है, चल नहीं पा रहा, और तो इसीलिए हम लोग सांप को वो लोग एक जगह डाल के रखे हुए हैं बोरा में। हम लोग उसको लेंगे फिर इसको जंगल में छोड़ देंगे दोस्तों। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और हो सकता है घर वाले वीडियो वहां बनाना नहीं दे क्योंकि गांव का माहौल है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे और वहां से लेके सांप को किसी तरह हम लोग वहां भागेंगे तुरंत, क्योंकि गांव में अलग अलग मत है, अलग अलग ये है, उसको फिर जंगल में हम लोग रिलीज करते हैं। तो दोस्तों बना रहेगा हमारे वीडियो में। दोस्तों ये स्पेक्टिकल कोबरा है जिसको हम लोग गहुमा के नाम से जानते हैं, और इसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है, और ये जिस स्थान में काटे उस स्थान जो है पहले सूजन हो जाएगा, और कह रहे थे सूजन नहीं होता लेकिन इसमें सूजन हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो है आपको उल्टियाँ होने लगेगा, आपको शरीर में जोड़ों में दर्द होगा, और आप जो है पसीना भी होने लगेगा, उसके साथ साथ बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा। इसका मतलब आपको कोबरा बाइट किया है, इसीलिए जो है कोबरा जब बाइट हो जाए तो थोड़ा सा इंतजार कर ले, देख ले कि आपका जिस स्थान में काटे वहाँ का त्वचा जो स्किन उसका कलर भी चेंज हो रहा होगा और आपको साथ साथ सूजन भी हो रहा होगा। बहुत समय स्नेक बाइट फॉल्स बाइट करता है ये कोबरा, 63% फॉल्स बाइट काटता तो है लेकिन जहर नहीं जाता। इसका कारण बहुत सारा हम वीडियो में बताए हैं, अभी बताएंगे तो बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस में बताएंगे। पूरी भारत में 5 सबसे जहरीला सांप के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे स्नेक बाइट के बारे में दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग जो सांप को रेस्क्यू किए थे, अभी शख्स के घर में घुसा हुआ था, एक्चुअली लोग मिट्टी का तेल उसमें डाल दिए थे, ये एक बड़ा सा होदा था जहाँ पर पानी जमा रखते हैं, और ये सांप रात भर रहा और हम लोग अभी इसको रेस्क्यू किए हैं, लेकिन ये सांप जो है बहुत सुस्त है और ये हो सकता है मर जाता है, लेकिन हम लोग इसको बचा के फिर जंगल में पुनर्वास के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ आए तो हमारा बहुत सारा फैन जो है यहाँ टिकटॉक वीडियो बना रहे थे, इन सभी से हम मिले यहाँ बहुत खुश हुए, क्योंकि ये लोग से हमेशा मिल नहीं पाते, इतना ज़्यादा हम लोग व्यस्त रहते हैं रेस्क्यू में, उसके साथ ट्रीटमेंट भी होता है। यहाँ पर हमारा एक मरीज भी जो है ये भी था, ये इनको करेंत काटा था, ये हमारे पास इलाज हुआ था और यह अभी भी पूरी तरह स्वस्थ है। और इसके साथ साथ हम सभी को अनुरोध करते हैं कि सर्पदंश हो जाए तो आप सबसे पहला जो है झाड़ फूंक ओझा का चक्कर मना रहा है, अब तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि सर्पदंश का एकमात्र उपचार जो है वो है एंटीवेनम, जो सांप का जहर से बनता हुआ एंटीवेनम। अभी एक हम वीडियो देख रहे थे यूट्यूब में कि एक पत्ता है, और एक कोई वीडियो छोड़ा है कि पत्ता को सूंघ लीजिए, किसी की कोई भी जहरीला सांप है और कुछ भी काटे वो पत्ता को सूंघ लीजिए उससे ठीक हो, ये सब जो अफवाह है। अगर एक पत्ता सूंघने से पूरे बॉडी का जो सेल डैमेज हुआ है और आपका न्यूरोटॉक्सिन से नर्व में अटैक करता है, हीमोटॉक्सिन
आपका टिश्यूज में को डैमेज करता है। अगर एक पत्ता सूंघ लेने से ठीक हो जाता कि भारत का इतने जो लाखों का दवाई है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, ये बेकार किस काम का है। हर घर में अब एक पत्ता ये पेड़ उगा लेता, उस पत्ता को सूंघ के इंसान बच सकता था। ये जो अफवाह है इसमें मत जाइए, इससे इंसान का बरगड़ाया जाता है और इंसान को मौत होता है। तो इसीलिए जो है आप जो है साइंस जो आजकल ये जमाना है, हम लोग इस शताब्दी में जो हम लोग साइंस को ज़्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि ये झाड़ फूँक ओझा और ये पत्ता ठीक है, मेडिसिन है, लेकिन वो अभी मेरा बॉडी में जाएगा तब ना, जब किडनी मेरा बीमार है या लिवर कोई डैमेज हो गया, उसमें पत्ता सूखने से या कोई ऐसा चीज़ मंत्र डालने से फूकने से वो कभी ठीक नहीं हो जाएगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं ये लोकेशन जो है, इस जगह हम लोग एक्चुअली सांप नहीं छोड़ते हैं, सांप हम लोग रिलीज करते हैं दूसरी जगह में, ये हजारीबाग फॉरेस्ट या सेंचुरियस बोल के जब बनाया गया सरकार की ओर से वहाँ, लेकिन ये सांप जो है बहुत ज़्यादा सुस्त है, इसलिए हम लोग नज़दीक में छोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये इंसानी बस्ती से दूर, ताकि किसी को क्षति न पहुँचे। तो आप सभी से और एक अनुरोध है कि जिस किसी को भी स्नैक बाइट हो जाए वो तुरंत आप जो है एक बाइट मार्क, जो बाइट क्या है उस मार्क को हमें भेज दें, हम 100% आपको बता देंगे कौन सा सांप बाइट किया है। हमेशा जो है आप फ्लैंक्स मार्क देख के ही आप डिसाइड ना करें कि सांप काटा है। बहुत समय हमारे पास बहुत मैसेज आया है, ये वीडियो में हम दिखाएंगे डिस्प्ले में, ये बाइट तो मार्क है स्नैक बाइट का, लेकिन वो बाइट जो है कोई कांटा से लगा, जिस तरह एक पेड़ में या एक डाली में दो कांटे आसपास होता है, वो कहीं गए थे काम करने के लिए खेत उत में, कांटे लगा और उनको जब घरवाला सब या आसपास के सब उनको डरा दिए कि आपको सांप काटा है, दो निशान है, वो इंसान जो है इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन से इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उनका प्रेशर बढ़ चुका था, उनका मुंह से भी फेन आ गया था और डरे जो है बेहोश टाइप का भी हो रहे थे। लेकिन जब मेरे पास आए हम उनको बोले जो आपको कोई सांप नहीं काटा, कांटा कांटी से लग गया, तो तुरंत उठ के ठीक भी हो गया, बोलते अरे ये लोग सब हमको डरा दिया था। तो ये बात जो है स्नैक बाइट डर और जो है गलतफहमी से इंसान ज़्यादा इससे डर जाता है। आप किसी मरीज को खाली एक बार बोल दीजिए आपको गहमन काटा, इससे तुम बचेगा नहीं, वो आदमी जल्द से जल्द जो है वो होपलेस हो जाएगा और उनको जो जीने का इच्छा होता है वो धीरे धीरे उनको छोड़ देगा। तो इसीलिए किसी को भी डराए नहीं, उसको हिम्मत दीजिए, सांप काटा भी है तो उसको बोलिए जो आपको जहरीला सांप नहीं काटा है, तो वो आत्मशक्ति बढ़ाएगा और जीने का और अपना अंदर में जो है WBC को भी ताकतवर बनाएगा, चलिए मैं उनको कुछ नहीं काटा, सांप काटा है फिर भी तो कम से कम हॉस्पिटल तक भी पहुँच सकता है। दोस्तों आप सभी को अनुरोध है हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा सांप से जुड़ी गंभीर से गंभीर जानकारी आप तक हम पहुँचे, और हम ये हमेशा चैलेंज करते हैं कि किसी को स्नैक बाइट हो जाए वो मार को भेजे, मैं 100% बता दूंगा कौन सा पटा है। आज तक मेरा एक भी कमेंट गलत नहीं हुआ, शायद जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं वो देखे होंगे, बहुत सारे मित्र हमें फोटो भी भेजे हैं और उसको मैं परफेक्ट बताया हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।